गया भाई, कहा गया कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, इसका नेचर जैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो मैटर नहीं करता है। तो यानी कि अगर Q1 चार्ज है इस पे, और ये तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 पे फोर्स लगाया जाएगा Q2 के द्वारा, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और वही फोर्स जो है Q2 पे लगाया जाएगा फोर्स अप्लाइड ऑन टू ड्यू टू 1। तो ये जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स अप्लाइड ऑन 2 ड्यू टू 1, वो हमेशा जो है सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, ये मैटर नहीं करता। अब यहां पर देखिए, ये सेम चार्ज है, यानी कि जो है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, यानी कि यहाँ पे लाइक चार्ज की बात करें। अगर अनलाइक चार्ज भी है, मान लो एक जो है चार्ज जो है नेगेटिव है मेरा और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, उस केस में भी क्या होगा, फोर्स जो है ये अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो फोर्स जो है अप्लाइड ऑन 1 पे फोर्स लगेगा किसके कारण से, 2 के कारण से, जो कि Q2 चाहेगा अपनी ओर खींचने के लिए, और ये चाहेगा क्या, Q2 को जो है के ऊपर फोर्स लगाएगा कौन, Q1, ये अपनी ओर खींचना चाहेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स यहां भी लग रहा है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा जो है जस्ट क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ये क्लियर हुआ होगा। तो फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट में लगता है। एफ नेट जो है हमेशा जो होगा F12 + F21, और ये हमेशा क्या होगा, एफ नेट जो है हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि F1 फोर्स अप्लाई ऑन 1 due to 2 इज ऑलवेज इक्वल टू F21 बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी फोर्स हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। अब देखिए, यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। आगे देखेंगे इस पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि फोर्स जो है किस तरह से लग रहा है, एक दूसरे के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो कूलम्ब्स ने क्या बताया भाई, कि जो है दो चार्ज पार्टिकल है, और दोनों चार्ज पार्टिकल पे जो है, अगर एक Q1 है और दूसरा Q2 चार्ज पार्टिकल है, तो इस केस में फोर्स जो होगा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, दोनों चार्ज पार्टिकल पे, यानी Q1 पे Q2 पे, यानी Q1 Q2 Q1 एंड Q2। सेकेंड जो है दोनों के बीच के जो है सेपरेशन के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट मीन जो है F/R². अब देखा जाए, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / क्या, R². अब यहां प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट भी आएगा, जिसको बोलेंगे क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी एफ इक्वल टू क्या, के Q1 Q2 / क्या, R², जहां पे वेयर के क्या है, 1/4π ε0, जहां एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वेयर ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। यहां पे ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसका वैल्यू होता है क्या, 8.85 × 10⁻¹2, है ना, 8.85 − 10⁻¹2 क्या, 12, क्या हो जाएगा, यूनिट भाई। तो यहां पर जो है यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां पर इसको चाहेंगे तो इस तरह से भी लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऐसा भी होता है 1/36π × 10⁻¹9। ये वैल्यू को अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो इस केस में अगर देखा जाए तो के का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 1/4π, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर 1/36π × 10⁻¹9, क्या 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, यानी 9 × 10⁻¹9, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, 9 × 10⁻¹9
q1 into q2 upon r square, यानी कि f इक्वल टू ये लिखे या f इक्वल टू जो है 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो है ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम लोग इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। इस तरह से हम लोग जो है मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यानी कि जो है दो चार्ज पार्टिकल जो है टू चार्ज पार्टिकल q1 q2 हो और दोनों के बीच का सेपरेशन यदि जो है यदि r है तो उस केस में फोर्स होगा क्या 1/4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन r स्क्वायर या 9 × 10⁻⁹ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैसे आया ये आप जान रहे हैं। अब हम लोग देखें कि दो चार्ज पार्टिकल है q1 q2 जिसका सेपरेशन यदि r है तो टू चार्ज पार्टिकल जो है दोनों जो है क्या हो रहा है भाई, इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता चल चुका है लेकिन जो है दोनों फोर्स होता है क्या, यानी कि टू चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या हुआ, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है इसलिए जो है दोनों चार्ज पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो जो है सेंट्रल फोर्स लाता है। यानी कि कूलम्स ने बताया भाई क्या, उन्होंने बताया क्या कि ये जो है सेंट्रल फोर्स होता है, ऐसा नहीं कि जो चार्ज पार्टिकल q1 है और ये चार्ज पार्टिकल q2 है तो एक्शन पे जो है ऐसा नहीं कि ये ऐसा फोर्स लगेगा और ये ऐसा फोर्स लगेगा, ये ऐसा फोर्स नहीं लगेगा, ये क्या होगा हमेशा लाइन ज्वाइनिंग हुआ, यानी दो चार्ज को जो है जो लाइन ज्वाइन करता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, ये जो है क्या होना चाहिए, ये जो है कूलम्स लॉ में क्या करता है कि ये सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, है ना। सेकेंड जो है क्या हो गया भाई कि दोनों के बीच में जो है अगर ये जो है क्या एयर में होगा तो ये एयर में जो है इसका जो वैल्यू होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो है वो क्या होगा 9 × 10⁹ q1 into q2 upon r square या हम लोग जो कहें 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square के इक्वल होना चाहिए। अब ये कहता है क्या कि क्या ये फोर्स जो है यानी मीडियम से प्रभावित हुआ क्या, इफेक्टेड हुआ क्या, यस मीडियम से इफेक्ट हो गया, यानी दो चार्ज पार्टिकल को जो है यदि मीडियम चेंज कर दिया जाए दूसरे मीडियम एयर के जगह पे जो है किसी और मीडियम में रखा जाए तो उसका फोर्स जो है वो क्या होगा हमेशा डिफर कर जाएगा, इतना ही फोर्स वो नहीं होगा, वो कितना होगा तो यदि जो है यदि दो फोर्स जो है यदि दो चार्ज पार्टिकल है दोनों चार्ज पार्टिकल जो है के बीच का जो है फोर्स जो है मीडियम में जो फोर्स होगा हमेशा क्या होगा एयर के कंपेरिजन में एफ नॉट के कंपेरिजन में वो हमेशा क्या होगा ये एफ नॉट टाइम्स ऑफ क्या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा इतना टाइम से, यानी कि उस मीडियम का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा उसका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एयर के कंपेरिजन में, है ना, यानी कि फोर्स बिटवीन जो है इस तरह से वो प्रभावित करेगा पहले की कंपेरिजन में, क्लियर ना। तो फोर्स जो है मीडियम से प्रभावित होता है, हाँ इफेक्टेड होता है कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो है दोनों एक दूसरे के जो है एक्शन पेयर जो है रिएक्शन पेयर होता है, इट मीन जो है ये सेंट्रल फोर्स होता है, केवल एक्शन रिएक्शन से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, है ना, टू चार्ज के बीच में जो है जो फोर्स जो है लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स होता है, यानी कि वो सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। सेकेंड जो है इसका मैग्नीट्यूड ये होता है और ये जो है यदि मीडियम में रखा जाए तो उस केस में उसका फोर्स जो है पहले एयर के कंपेरिजन में क्या होता है 1/k टाइम जो है इफेक्टेड कर देता है, जहां पे के क्या है वेयर यहां पे के जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, समझ में आया होगा। तो ये चीज है इसमें और इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग,
सेकेंड क्या, ये कंजर्वेटिव जो है फोर्स होता है ना, यानी कि और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करता है। देखिए एक प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करके देखते हैं, सिंपल सा कि टू जो है चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, इसका जो है 4 माइक्रो कूलम्ब है और ये जो है 6 माइक्रो कूलम्ब है, क्लियर। इस पे मास जो है आपको मान लो M1 इक्वल टू 2 kg है, M2 इक्वल टू 4 kg है। यदि इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करता है, V2 क्या है 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं क्या कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, तो M1 V1 इक्वल टू क्या प्लस M2 V2, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू क्या 0। M1 क्या है हमारे पास 2 kg का है, V1 हमें पता नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे M2 मेरे पास कितना है 4 kg का है, M2 क्या है 4 kg है, और V2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। इट मीन्स 2V1 इक्वल टू क्या -40, यानी कि V1 इक्वल टू क्या जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड, या नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इसका वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है इसका वेलोसिटी क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से जो है इस टाइप का प्रॉब्लम जो है इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है हम लोग कूलम्ब्स लॉ में जो है फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ सकते हैं मैकेनिक्स रिलेटेड भी।